बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले चिकन रेशा कबाब। और बहुत कम चीज़ें इसमें जाती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेते हैं। आधा किलो आलू लेके मैंने इसको बॉयल किया और फिर मैश करके रख लिया। एक चिकन ब्रेस्ट लेकर मैंने इसको बॉयल कर लिया और ज़रा मोटे टुकड़ों में थोड़ा सा इसको मैंने श्रेड कर लिया है। आधा कप तेल है फ्राई के लिए, दो अंडे हैं, एक टीस्पून काली मिर्च है, एक टीस्पून चिकन पाउडर है, आधा टीस्पून नमक है, एक टीस्पून गरम मसाला है और एक टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है। आधा टीस्पून नमक मैंने इसलिए डाला है कि चिकन पाउडर में भी नमक होता है तो ज़रा उसको फिर वो ज़्यादा ना हो जाए, तो आप लोग अपने ज़ायके के हिसाब से भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फिर इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको जो हम शुरू करते हैं वो ये कि सारी चीज़ों को जस्ट मिक्स करना है। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब मैं इसकी गोल शेप में टिकिया बना रही हूँ। आपको जो शेप अच्छी लगती हो आप उस शेप में ही बना सकते हैं। चलो अब मैं इसकी टिकिया बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं अब इसके कबाब बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनते ये शेप में, थोड़े छोटे साइज़ के ही बनते हैं। ये देखें, ये दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया और इसी तरह मैं सारे तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने कबाब तैयार कर लिए और अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। कबाबों को अब मैं फ्राई करती हूँ। अच्छा, ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और अंडों को देखें मैंने फेंट के रख लिया और इस अंडों में मैं कबाबों को डिप करके फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ये मैंने कबाब इसमें डाल दिए और अभी बाकी को भी डाल के फिर मैं फ्राई करती हूँ इनको। चलें, अब ये एक साइड से मैं इनको टर्न कर देती हूँ। चलें, ये देखें, ये इसका कलर एक साइड से हो गया है गोल्डन और अब दूसरे साइड से फ्राई कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। ये देखें, गोल्डन अच्छे फ्राई हो गए हैं और इन सबको मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे चिकन रेशा कबाब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हुए हैं, लेकिन जायके में ये बहुत मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट के होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घर पर बनाएंगे तो आप लोगों को भी ये कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। आप अपने गेस्ट के लिए भी इसको तैयार करके रख सकते हैं। और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में और याद रखें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मेरी हर रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन में कर देती हूँ। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।